अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है जनाब? आप सब लोगों का कैसे हैं? आप सब लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों, मज़े में हों और अपना आज का दिन भी इंजॉय कर रहे हों। आज संडे का दिन है और नॉर्मली हमारे घर में जो है वो नान चने का नाश्ता होता है। मेरे बच्चों को नान चने बहुत पसंद हैं। पहले ज़्यादा शौक से वैसे ये लोग जो है वो हलवा पूरी खाते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से जो है ना इनको नान चने पसंद हैं। और वाकई में ये मेरे हस्बैंड जहाँ से लेकर आते हैं वाकई इसके होते भी बहुत टेस्टी हैं। तो नाश्ते की तैयारी हो रही है साथ साथ, और साथ साथ जनाब मैं आपसे बात कर रही हूँ। दिन का हमारा आगाज़ हो चुका है और इसके बाद आज का प्लान क्या है? आज का प्लान हमारा ये है कि जैसे ही मैं आज सुबह उठी हूँ तो मामा की तरफ से मुझे कॉल आ गई थी कि आज डिनर उनके साथ करना है। तो संडे वाला दिन हो और किसी की तरफ से आपको डिनर के लिए कॉल आ जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दूसरी अच्छी बात आज की ये है कि आज वेदर देखें ज़रा कितना प्लेजेंट है, बहुत अच्छा वेदर है आज का, आसमान खुल गया जैसे, और सनी डे है, इट्स अ सनी डे। आज फोग इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जनाब जल्दी से मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम चलेंगे मामा की तरफ। बच्चे मेरे वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं उनकी तरफ जाने के लिए। ये देखें ये मेरा छोटू कैसे भाग रहा है, इसको आज़ादी मिल जाती है बाहर आके ना भागने की। मोहम्मद बेबी, ये देखें ज़रा इसको। सूरज देखें बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा है, और ऐसे मौसम में जो है वो बस दिल चाहता है कि बंदा कहीं सैर को निकले, बाहर जाए, अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करे। तो मैं भी जा रही हूँ अपनी मामा की तरफ और उनके साथ अब बाकी का टाइम जो है मैं स्पेंड। हाँ जी, हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड वी आर गोइंग टू मामा जी होम। ये जी, ये हम फाइनली पहुंच गए हैं मामा के घर, और ये देखें कैसे इशाल भाग के गई है दरवाजे पे। अभी अफसा भी आएगी, ज़रा देखें इनकी एक्साइटमेंट कैसी होती है। ये देखें ये अफसा गई है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? मोहम्मद कम कम। ये मेरी मामा आई हैं बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माजी? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हो। और मामा जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं मोहम्मद से मिलने के लिए, और मोहम्मद सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है दरवाजे खोलने और बंद करने के लिए। इसको डोर्स बहुत पसंद है, ये देखें आते साथ ही इसने डोर पकड़ लिया है। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है डोर्स ना, बहुत मज़े से खेलता है डोर से। पता नहीं इसको इसमें क्या अट्रैक्शन लगती है, आई डोंट नो। और माँ के घर आ के जो एहसास होता है इसका अंदाज़ा उन्हीं बेटियों उन्हीं लड़कियों को हो सकता है जो कि ज़्यादातर मैरिड हैं। माँ का घर आपका वो घर है जिसके जहाँ जाने के लिए आपको कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाने के लिए आपको किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल चाह रहा है जैसे आपने ट्राउज़र शर्ट पहनी है, कुछ भी आपने पहना है ना, बस आप उठें और अपनी माँ से और अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चले जाएँ। अल्लाह ताला हर माँ बाप का साया उनके सर पर सलामत रखे। मेरी मामा को डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है, और उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह अपना ड्राइंग रूम बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। ये देखें ज़रा उनके गुल बूटे, फूल पौधे, और ये जो मेरा छोटू है ना ये यहाँ पे अपना वो दिखाने के लिए आ गया। हालांकि नॉर्मली इस जगह का जो दरवाज़ा होता है वो हम लोग बंद ही रखते हैं। मोहम्मद बेबी मोहम्मद, ये मेरी आवाज़ जो है ना जब तक इसका मूड ना हो बिल्कुल भी नहीं सुनता, अपनी एक्टिविटीज़ में ये लगा रहता है। ये देखेंगे इसको बेबी जानी। मोहम्मद मोहम्मद बेबी मोहम्मद कम हियर मोहम्मद कम 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 बेबी जी। ये देखें बिल्ला कहाँ से झांक रहा है। ये
इतने प्यारे से फ्लावर्स हैं, ये ट्यूलिप्स हैं, और जाते साथ ही माशाल्लाह जो है ना वो मेरी खातिरदारी शुरू हो जाती है, जिस तरह मैं पता नहीं कितने सालों के बाद आई हूँ। ये उन्होंने पहले मेरे लिए चाय के साथ चीज़ें कुछ रखी हुई थी, इन पर मैंने अच्छी तरह अपना हाथ साफ़ किया, और उसके बाद मैंने फरमाइश मामा से की थी कि आज आपने बिरयानी बनानी है। मेरी मामा बिरयानी बहुत मज़े की बनाती हैं। ये देखें ज़रा जनाब, इसका कलर और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़े का था। साथ उनका अपना स्पेशल रायता है एंड सैलड, और साथ में कोई सालन भी था, बट मैंने उसको टच भी नहीं किया। मैंने बड़ी मज़े मज़े से बिरयानी खाई है और पेट भर के खाई है, बहुत बहुत मज़े की बनी थी। और जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़।